सो फ्रेंड्स कंटिन्यू करते हैं अपना फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। लास्ट लेसन में हमने देखा था कि जो हमारा रियल एग्जीक्यूटिव होता है और जो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होता है वो डिफरेंट होते हैं। नॉमिनल एग्जीक्यूटिव कौन है? प्रेसिडेंट। यहां हम सब इंडिया के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं, ध्यान से समझना इसको। और हमारा रियल एग्जीक्यूटिव कौन है? रियल एग्जीक्यूटिव है हेड ऑफ द गवर्नमेंट, दैट इज प्राइम मिनिस्टर। नॉमिनल एग्जीक्यूटिव इज द हेड ऑफ स्टेट एंड दैट इज प्रेसिडेंट। क्लियर हुआ था ये सारी चीजें हमारी। अब हम देखते हैं सेकेंड जो फीचर है वो है मेजोरिटी पार्टी रूल। ठीक, यानी कि जो पार्टी मेजोरिटी में होगी उसका रूलिंग होगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो पार्टी है, कई सारी पार्टी हो सकती है, मल्टी पार्टी सिस्टम हो सकता है इस वाले किस में, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। एक चीज हमने ये कंक्लूड कर ली कि मल्टी पार्टी सिस्टम भी है यहां पर, और जिस पार्टी को सबसे ज्यादा सीट मिलेंगी, जिस पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वो मैटर नहीं करता, जिस पार्टी के पास सबसे ज्यादा सीट्स होंगी, जब हम इलेक्शन के बारे में पढ़ेंगे तब इसको और समझाऊंगा, सीट्स और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ये सारी चीजें तब आती हैं, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम वहां समझेंगे। तो मल्टी पार्टी सिस्टम होने के बाद कई सारी पार्टी हो गई ए बी सी डी, जिसके पास भी सबसे ज्यादा सीट होंगी, मान लो 100 है टोटल सीट्स, ए पार्टी को मिली 10, सी को मिली 5, डी को मिली 25, टोटल कितनी होगी 25, 35, 40 सीट्स। ठीक है, मेजोरिटी के लिए कितनी चाहिए थी 1/2+1 यानी 51। बी पार्टी को कितनी मिली सीट 60, तो यहां पार्टी जो है वो बन जाएगी बी पार्टी का रूल होगा यहां पर। क्लियर है? और अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि जब यहां पर एबीसीडी को मान लेते हैं, ए को सीट मिल रही है 15, बी को मिली यहां पर 35, सी को मिली 25, कितना हो गया 25, 35, 25 और 15, 40, 60, 70, 75 और 25, यानी किसी को भी मेजोरिटी नहीं मिला। मेजोरिटी पार्टी रूल है, मेजोरिटी किसी को नहीं मिला। तो क्या होगा ऐसी स्थिति में? आपस में दो पार्टी मिलके गवर्नमेंट बना सकती हैं। जैसे ये 25 और ये 25 मिले तो कितना हुआ 50, फिर भी पूरा नहीं हुआ। तो मान लो ये तीनों आपस में कोलिशन करा इन्होंने, तो ये आपस में मिलके कोलिशन गवर्नमेंट बना सकते हैं। एक और चीज ये हो गई मल्टी पार्टी चीज, ये वाला कंसेप्ट यहां देखा, और कोलिशन गवर्नमेंट। अब क्या होगा? पहले केस में जो हेड ऑफ द पार्टी होगा, जो लीडर ऑफ द पार्टी होगा, वो प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है जनरली। ठीक, और उसको प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। ये याद रखना, प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, और प्राइम मिनिस्टर फिर अपने हिसाब से कुछ अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को चयन करता है, और इनको भी कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। ये राइटिंग थोड़ी वैसी है, बस मैं आपको समझा रहा हूं, समझने का प्रयास करना। ओके, तो प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करता है अपने, चूज करता है अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उनको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। तो बोथ प्राइम मिनिस्टर्स एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। क्लियर? व्हाइल इन द केस ऑफ दिस कोलिशन गवर्नमेंट, तो ये तीन जो पार्टी हैं, तीनों पार्टी ने जो मिलकर चुनाव का एक जो गवर्नमेंट फॉर्म कर रहे हैं, एक फ्रेम कर फॉर्म कर रहे हैं, तो वो आपस में चयन करेंगे कि हमारा ये लीडर है, इसको बनना है प्राइम मिनिस्टर, इसको हम प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे, और बाकी के लोग वो प्राइम मिनिस्टर अपने हिसाब से चूज करेगा अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और फिर जो प्रोसीजर है ये वाला, प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। क्लियर हो गया? तो ये तीन चीज हमने यहां पर सीखी। नेक्स्ट फीचर नेक्स्ट वीडियो में।